आज बीजेपी द्वारा राज्य भर में धरना आंदोलन किया गया। बीजेपी ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन से तहसील कार्यालय समक्ष किसानों से धोखाधड़ी और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार का विरोध किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा राज्य के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के विरोध में भाजपा जिले भर में जिलाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयों के समक्ष धरना आंदोलन किया। जनादेश का अपमान कर सत्ता में आई शिवसेना कांग्रेस राका महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। इस सरकार की निष्क्रियता के चलते राज्य भर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यह आंदोलन पूरे राज्य में किया गया है। भाजपा के साथ विश्वासघात कर कांग्रेस राका के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना ने किसानों से विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री व राका कांग्रेस नेताओं ने आपदा पीड़ित किसानों को 25,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से और फलबाग किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मदद की घोषणा की थी। 7/12 कोरा करने का वादा किया था, संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। महाविकास आघाड़ी के खिलाफ आज धरना आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण इकाई की ओर से आज तहसील कार्यालय के समक्ष हो रहा है। इस समय में हमारे साथ में महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व विधायक अशोक जी मानकर हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मानकर साहब, ये बताए कि जिस तरह से आज ये आंदोलन किया जा रहा है, लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? गत 4 महीने से महाविकास आघाड़ी इस महाराष्ट्र में राज्य कर रही है, जो 3 पैरों की लंगड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस शिवसेना ने युति करके विधानसभा के चुनाव लड़े थे, वो युति को तोड़कर शिवसेना के नेता उद्धव जी ठाकरे इन्होंने अपने पूर्वांपार शत्रु कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाविकास आघाड़ी में शामिल हुए और खुद के स्वार्थ के लिए वहाँ महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री बने। प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, केवल संगठन चलाना आता है, ऐसी स्थिति हमारे मुख्यमंत्री की है। शिवसेना का संगठन आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे ने चलाया और उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने संगठना में आज तक काम किया, प्रशासन में नहीं किया। और यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत इस महाराष्ट्र के हर काश्तकार का, हर खेती वाले का मैं कर्जा माफ़ करूंगा, उसके बांध पे जाके माफ़ करूंगा, उसके घर में जाके माफ़ करूंगा और पूरा कर्जा मैं माफ़ करूंगा, चाहे वो उसके फसल के लिए लिया हो, चाहे वो उसके उपकरणों के लिए लिया हो, चाहे शेडनेट के लिए लिया हो, पॉलीहाउस के लिए लिया हो, ये सभी प्रकार के कर्जे हम पूर्णतः माफ करेंगे और 7/12 का उतारा उनका कोरा करेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। 34,84,000 काश्तकारों की लिस्ट कल बनी हुई है, ऐसा टीवी में बताया गया। उसमें से केवल 68 गांव के 15,000 काश्तकारों का 2,00,000 से कम जो अमाउंट है उसका निधि, ये उसका कर्जा वो कम करने की सोच रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उन्होंने जो जिस तरीके से बात की कि हम सभी काश्तकारों का कर्जा माफ करेंगे, उनके घर जाके उनका कर्जा माफ करेंगे, हम पूर्णतः काश्तकारों का 7/12 उतारा हम कोरा करना चाहते हैं और सरकार ने ये करना चाहिए। इसलिए आज के इस आंदोलन का विशेष रूप से आयोजन किया गया है और उसके साथ ही जिनके खेती में फसल बाधित हुई है, ऐसे काश्तकारों के लिए 25,000 रुपये पर हेक्टर जो सादी जमीन है उसके लिए और बागायतदारों के लिए 50,000 रुपये पर हेक्टर ये मुआवजा देना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ पे हम करते हैं और महाविकास आघाड़ी का निषेध यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी का निषेध करते हुए इस प्रकार के मानकर इन्होंने बात की। अब हम जो भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष है अजय बोडारे, उसे जाना चाहिए। बोडारे जी, ये बताए कि अगर सरकार ने आपके मांगों को दरकिनार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की एक भी बात नहीं सुनी, तो अगली रणनीति क्या होगी? इससे बड़ा अभी तो हम धरना आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी मांगे अगर मानी नहीं जाती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम यहाँ पे पूरे नागपुर जिला में करने वाले हैं।
बहुत बड़ी नगर परिषद ये नागपुर जिले में और सभी का निधि इस सरकार ने रुकाया हुआ है। अगर हमारी मांगे अगर मानी नहीं जाती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन पूरा हम नागपुर में चक्का जाम कर देंगे और इसकी पूरी जवाबदारी ये महाविकास आघाड़ी सरकार की रहेंगी। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जिस माध्यम से ये सरकार काम कर रही है ये गलत तरीके से काम कर रही है, इस सरकार का हम निषेध करते हैं और इस सरकार ने लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। हमारा इस आंदोलन का यही उद्देश्य है, यही हमारा हम यहाँ पे साध्य करना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है मगर आज के तारीख में कृषि दिख नहीं रही है, किसान दिख नहीं रहा, तो क्या सही मायने में भारत प्रधान है, एक सोचने वाली बात होगी। नागपुर के तहसील कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज नागपुर।